एसएसपी किश्तवाड़ और उनकी टीम की तरफ से आए दिनों किश्तवाड़ वासियों के लिए, उनकी भलाई के लिए फैसले जो हैं वो लिए जाते हैं और हम आप तक वो रिपोर्ट भी सामने रखते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि ऑपरेशन थर्ड आई हो या फिर साइबर क्राइम में हो रहे लोगों के साथ फ्रॉड हो, उनको देखते हुए उनकी सेफ्टी बनाए रखने के लिए एसएसपी किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से कई सारे अच्छे जो इनिशिएटिव हैं वो लिए जाते हैं। उसी तरीके से एक और इनिशिएटिव जो है वो लिया गया, जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी देते हुए बता दूं कि ये 5 दिन का क्रैश कोर्स जो है वो करवाया जा रहा था, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये क्यों था? क्योंकि कुछ जो नए क्रिमिनल लॉज है 2023 के, उन्हें अपने सभी डिपार्टमेंट के जो पुलिस पर्सनल्स हैं उन्हें उनके साथ फैमिलियर करने के लिए, ये समझाने के लिए कि ये कौन से न्यू लॉज हैं, इनके ग्राउंड पर क्या ज़रूरत है, उसी सब के लिए ये 5 दिवसीय जो है क्रैश कोर्स का जो कार्यक्रम था वो ऑर्गेनाइज किया गया था। और हम आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि ये 5 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा, जिसमें नए क्रिमिनल लॉज जो है उन्हें सामने लाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। और ये जो फंक्शन था ये ऑर्गेनाइज किया गया था कॉन्फ्रेंस हॉल DPL किश्तवाड़ में, जहाँ पर हम आपको बता दें कि 60 पुलिस पर्सनल से, जो कि जिसमें SHOs, इंचार्ज पुलिस पोस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो कि अलग अलग यूनिट्स के थे, साथ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ और उनके जो ऑफिसर ऑफिशियल्स थे IR 22 के, और साथ में हम आपको बता दें कि ये बताया गया कि आखिर इन सब की ज़रूरत क्या है, ज़मीनी सतह पर जो लॉज जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए हैं या लागू किए गए हैं। और ये जो क्रैश कोर्स का जो ऑर्गेनाइज किया गया था प्रोग्राम, वो पुलिस हेडक्वार्टर्स J&K की तरफ से ये ऐसे निर्देश आए थे और उसके बाद ही ये फंक्शन रखा गया था। और हम आपको बता दें कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हों, ऑफिशियल्स हों, उन्हें बहुत अच्छे से इन कानूनों की जो है जानकारी हो सके, क्योंकि जब उन्हें इन कानूनों की जानकारी हो पाएगी तभी वो आम जनता को जो है इन कानूनों से रूबरू करवा सकते हैं, और इन जो लॉज इनकी क्या ज़रूरत है उसके बारे में भी, ज़मीनी सतह पर उनकी क्या ज़रूरत है, सिर्फ कागजी तौर पर नहीं बल्कि आम जो है असल ज़िंदगी में किस तरीके से इन कानून की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें इनको इस कॉन्फ्रेंस में, इस क्रैश कोर्स के दौरान जो है वो समझाई और सिखाई गई। और हम आपको बता दें कि इस इनॉग्रेशन के दौरान जो है SSP किश्तवाड़ भी वहाँ पर प्रेजेंट थे और उन्होंने इस मुद्दे पर जो है रोशनी डालते हुए ये भी कहा कि हमारे वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स आए थे उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है ये जो 3 कानून नए लागू हुए हैं उनके बारे में हमारे सभी ऑफिसर्स को, ऑफिशियल्स को जानकारी दी, समझाया कि आखिर ये क्रिमिनल लॉज क्या हैं और इन्हें किस तरीके से ज़मीनी सतह पर देखना है। हम आपको ये 3 क्रिमिनल लॉज की जानकारी देते हुए बता दें कि इसमें जो पहला लॉ है वो है भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS, उसके बाद है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA, जिस इस बात पर जो है जोर दिया गया कि आखिर इनका क्या रोल है हमारे जो है लॉज के बीच में और उनकी क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई थी। इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ जो है वो ये प्रतिबद्धित रहती है कि हम किश्तवाड़ वासियों के लिए काम करें और हमें भी अगर अपना कुछ जो है सीखने की ज़रूरत है, हम नई नई चीज़ें भी सीखते हैं, अपने अंदर भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ला रहे हैं ताकि हम लोगों की, आम जनता की सेवा और भी निस्वार्थ भाव से ज़्यादा कर सकें। ये जो है विजन वो SSP किश्तवाड़, उनकी पूरी टीम का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस किश्तवाड़ की है, जिसके मद्देनज़र जो है ये एक 5 दिवसीय क्रैश कोर्स रखा गया था। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं आप हमें ज़रूर बताएं, और बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।